सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में, मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का जो फर्स्ट पार्ट था, उस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में बताया था कि वो किन दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक बार मैं उसकी रिवीजन करवा देती हूँ, उसके बाद में हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दो पार्ट्स में डिवाइड हैं। एक है सॉलिड मैकेनिक्स एंड एक है फ्लूइड मैकेनिक्स। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, और फ्लूइड मैकेनिक्स में वो पढ़ते हैं जो फ्लो कर सकते हैं, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकते हैं, जिनकी पोजिशन में चेंजेस आते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो सॉलिड मैकेनिक्स में मैं आपको करवाने वाली हूँ। और ये वाले जो टॉपिक्स हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के नीचे, ये 10 टॉपिक्स, ये हम फ्लूइड मैकेनिक्स में करेंगे। अभी जो मैंने पार्ट स्टार्ट किया हुआ है वो सॉलिड मैकेनिक्स का पार्ट स्टार्ट किया हुआ है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी, सेकंड वन इज़ प्लास्टिसिटी, थर्ड वन इज़ स्ट्रेस, नंबर 4 इज़ स्ट्रेन, नंबर 5 इज़ हुक्स लॉ एंड नंबर 6 इज़ टाइप्स ऑफ इलास्टिक कॉन्स्टेंट। तो सॉलिड मैकेनिक्स में हम ये 6 टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की, उसमें मैंने आपको मैटर की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उनके बारे में बताया था। आपको उस वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम अपने ये 2 टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में, मीन्स सॉलिड मैकेनिक्स में, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, इसमें देखिए मैंने डेफिनेशन हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखी हुई है, आपके लिए जो भी सूटेबल हो आप उस लैंग्वेज में इसको पढ़ सकते हैं। नाउ इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द एक्सटर्नल डीफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर रिमूव्ड। इसका क्या मतलब है, इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी की या ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिस पे जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रखा होता है, अगर उस फोर्स को हम हटा देते हैं तो वो बॉडी वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में या साइज में आ जाती है। इसका एग्जाम्पल आप कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है रबर बैंड। इसमें आपने देखिए रबर बैंड क्या है, प्लास्टिक का बना हुआ होता है, जब आप इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये स्ट्रेच होता है एक लिमिट तक, अगर ज़्यादा करेंगे तो इसके टूटने के भी चांसेस होते हैं। मीन्स कि हर एक बॉडी या ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, एक स्ट्रेंथ होती है कि उसके बाद में वो उससे ज़्यादा नहीं खिंच सकता, इसे इलास्टिक लिमिट कहते हैं, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। बट अभी जो डेफिनेशन है वो है इलास्टिसिटी। तो इसमें यही हम पढ़ेंगे कि एक कोई भी बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगी जब उसका आप एक्सटर्नल फोर्स हटा देंगे। तो रबड़ को जब आप खींचना बंद कर देंगे तो वो वापस से अपनी उसी शेप और साइज में आ जाएगा। दो एक टाइम तक यूज़ करने के बाद में उसमें लूजनेस आ जाती है, वो बात अलग है, बट वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकता है, ये हमने इलास्टिसिटी में पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ये जो प्रॉपर्टी है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी अपने साइज को वापस से रीगेन नहीं कर सकता उसके ऊपर से फोर्स हटाने के बाद। इट मीन्स या तो वो टूट जाएगा या कुछ ज़्यादा ही वो बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी नॉट टू रीगेन इट्स शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इट मीन्स बॉडी के ऊपर जो भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ है या जो हमने एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई किया है, वो हटाने के बाद भी बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में या साइज में नहीं आएगी। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसमें मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, यहाँ पे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है गीली मिट्टी या फिर क्ले जिसे कहते हैं। इसके अलावा सेकंड एग्जाम्पल है मोम का टुकड़ा, इट मीन्स वैक्स। ये दोनों ऐसे एग्जाम्पल हैं प्लास्टिसिटी के कि अगर आप इन्हें स्ट्रेच करते हैं या इनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वापस से इन्हें उस शेप में नहीं डाल सकते जिस शेप में ये पहले से प्रेजेंट थे।
ये दो डेफिनेशन थी इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिक लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट क्या होता है? अ लोड दैट एक्सीड द इलास्टिक लिमिट डिफॉर्म द मटेरियल इनटू द प्लास्टिक रीजन, विच मीन्स दैट द मटेरियल इज परमानेंटली डिफॉर्म्ड व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। इलास्टिक लिमिट में क्या होता है कि जब आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर या लोड जो उस बॉडी पे आपने अप्लाई किया हुआ है, अगर आप उसको हटा देते हैं और वापस से वो बॉडी परमानेंटली अपनी उसी शेप में आ जाती है, उसे किसी भी ऑब्जेक्ट की इलास्टिक लिमिट कहते हैं। मैंने आपको समझाया था कि किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की एक लिमिट होती है, जिसके बाद अगर उसको स्ट्रेच किया जाए या खींचा जाए या उस पर फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसके टूटने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज प्लास्टिक लिमिट अकर्स व्हेन द मटेरियल रीचेस द मैक्सिमम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन द ब्रेकिंग पॉइंट। प्लास्टिक लिमिट क्या होता है? कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट जब एक मैक्सिमम प्लास्टिक लिमिट तक पहुंच जाता है, इट मींस कि इसके बाद अगर उसको स्ट्रेच किया गया तो वो टूट जाएगा। मींस कि उसके ब्रेकिंग पॉइंट पे जब कोई भी बॉडी पहुंच जाती है तो उसे उस बॉडी की प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। ये चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सॉलिड मैकेनिक्स में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, अच्छे चाहे बुरे बट एटलीस्ट किया कीजिए, मुझे पता चले कि आपने मेरी वीडियोज़ को देखा है, पसंद किया है या नहीं किया है। थैंक यू सो मच।